नमस्कार, मैं हूं शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सट्रा स्पोर्ट्स। जिस तरीके से तमाम खबर आ रही थी कि रोहित शर्मा के चोट लगने के कारण उन्होंने प्रैक्टिस सत्र छोड़ दिया था और वो किस तरीके से बाहर हो गए थे, ये बड़ा सवाल चल रहा था कि किस तरीके से उनकी वापसी होगी भी या नहीं, क्योंकि इस समय कप्तान कोहली अभी आराम पर है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रोहित शर्मा इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लगातार बल्लेबाजी करी है, वर्ल्ड कप हो चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का दौरा हो, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से पहले डबल सेंचुरी मारी और एक तरफ उन्होंने सेंचुरी जड़ी तो एक तरफ देखा गया कि उन्होंने 176 रन भी मारे, तो तीन महत्वपूर्ण पारी खेली थी जिसकी वजह से रोहित शर्मा पर दावेदार था। अब ये बात सामने आ रही है कि रोहित शर्मा फिट हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से थ्रो डाउन के अंदर उनके चोट लगी थी, उनके पेट में बॉल लग गई थी, नुवान ने थ्रो डाउन करा था और इस वजह से उनके पेट में चोट लगने के कारण वो नेट सत्र छोड़कर वापस चले गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब रोहित शर्मा के गंभीर चोट तो नहीं लगी है, इसका खुलासा हो गया है और ये बात सामने आ गई है कि रोहित शर्मा फिट है और वो कल का मैच खेलने वाले हैं। तो जिस तरीके से जो बातें लग रही थी कि रोहित शर्मा चोटिल होंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये भारतीय फैंस के लिए काफी खुशखबरी की बात है कि अब रोहित शर्मा दोबारा खेलेंगे और दमदार अंदाज में खेलेंगे, वही अंदाज दिखेगा। बस ये देखना होगा कि बांग्लादेश कितनी टक्कर दे पाती है, क्या बांग्लादेश के खिलाफ एक और शतक आएगा रोहित शर्मा का, क्योंकि हिटमैन शो जब चलेगा तो बांग्लादेश क्या पूरी दुनिया देखने को बेताब रहती है ये हिटमैन का शो। अब देखना होगा कि किस तरीके का प्रदर्शन रहता है T20 मैचेस में रोहित शर्मा का। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें नेक्स्ट मैन स्पोर्ट्स पर। धन्यवाद।